बद्दी के निष्ठावान और ईमानदार पुलिसकर्मी योगेश कुमार की ड्यूटी के दौरान निधन पर एसपी साहब की रिटायरमेंट का जश्न स्थगित नहीं हो सकता था। पार्टी का आयोजन एक निजी होटल में बीती रात हुआ। ये सवाल इलाके में हर एक पुलिसकर्मी के साथ साथ आम लोगों की जुबान पर है। बीती रात बद्दी के एसपी वशिष्ठर सिंह की रिटायरमेंट पार्टी में पुलिस कर्मचारियों के साथ स्थानीय विधायक राम कुमार चौधरी भी थिरके। रविवार को राजस्थान से एक मामले में जांच के बाद सड़क हादसे में एएसआई योगेश कुमार का निधन हो गया। पंजाब के तलवंडी के समीप हुए इस हादसे में हर एक पुलिसकर्मी शोक में डूब गया, लेकिन एसपी साहब को जहां परिवार को शोक व्यक्त करना चाहिए था, वहीं अपने रिटायरमेंट पार्टी की जश्न की तैयारियों में लगे रहे। ये सही बात है कि सफलतापूर्वक सरकारी सेवा के बाद किसी भी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा पार्टी का आयोजन करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में अगर इस पार्टी को एक दो दिन स्थगित कर दिया जाता तो शायद मृतक पुलिसकर्मी की आत्मा को भी सुकून मिलता। अहम बात यह है कि बद्दी में तैनात एसआई योगेश कुमार की अपनी ईमानदारी और निष्ठा के कारण लोगों में खासी पैठ थी। बहरहाल जहां एक तरफ बद्दी के ही एएसआई की मौत का शौक मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एसपी साहब अपने रिटायरमेंट का जश्न मना रहे थे। नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।